अगर आपको पता यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे एक मोमेंट भी था तो पीछे बोल दिया होगा, अदरवाइज गांधी परिवार तो कपिल सिब्बल से बड़ा नाखुश है। हाँ हाँ सर, वो तो है, लेकिन उनको तो उनके पास तभी तो एक्सक्यूज था, तभी हाँ। तो हमने ये ओपोजिशन, यूनाइटेड ओपोजिशन ने डिसीजन लिया था, दैट इज द एक्सक्यूज दे हैव गिवन। आई वांट टू ऐड, लीज ने जो कहा कि सिब्बल का नाम दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, दिया था। दरअसल इसकी बड़ी वजह क्या है, जब कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की बात आई तो कांग्रेस के तीन अलाइज ने, जिसमें जेएमएम, शिवसेना और डीएमके ने ये ऑफर दिया था कि हम कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज देते हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब G23 बना था उसमें सिर्फ एक नेता ऐसे थे कपिल सिब्बल जो हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ बोलते आए, जिसके बाद वो कभी पैचअप नहीं हो पाया। इसीलिए तीन अलाइज के राज्यसभा टिकट देने के बावजूद भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी सीनियर नेता इस बात को लेकर नहीं माने, मजबूरी में कपिल सिब्बल, जेएमएम भी शायद चाहती थी कि वो सिब्बल को, डीएमके भी, डीएमके चाहती थी, शिवसेना चाहती थी, सब चाहते थे, लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार नहीं माने। इतनी पार्टियों में सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के चलते दोस्ती है, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का सबके केसेस उनके पास है, और वो बहुत सारे केस प्रो बोनो भी करते हैं, उनकी खास बात ये, और एडवाइस भी देते हैं, और इवन प्रेस क्लब का चुनाव, सॉरी प्रेस क्लब का जो केस है उसको भी कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। राहुल श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं, इंडिया टुडे टीवी समूह के नेशनल अफेयर्स एडिटर। राहुल सर जी सर, कैंडिडेट्स आ गए हैं, अब आगे का क्या है, क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है? देखिए सौरभ, मैं पहली बात जो कहूंगा, इसमें हमें राजनीतिक दांव पे कौन क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था, सौरभ ये जो पॉलिटिकल बातें हैं कि कौन ने किसको बैक किया, ये सारी बातें रहेंगी, लेकिन एक भारत के लोकतंत्र के लिए शायद बहुत अच्छी खबर ये है कि 11 करोड़ जो इस देश के ट्राइबल्स हैं और जो कि एक समय सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज माने जाते थे, उनका एक सदस्य आज भारत के राष्ट्रपति का नॉमिनी है और कल वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे लोकतंत्र के लिए गर्व का विषय है, चाहे आप प्रेसिडेंट की पोस्ट को सिंबॉलिक बताइए। नेता नगरी का ये क्या एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर साझा करिए। खूब ख्याल रखिए अपना, हैव अ नाइस वीकेंड। ऐसे अंग्रेजी बोलने से चाका वाका लगता है, एकदम बढ़िया क्लोज हो गया।